हेलो। हाँ गुरिंदर मौसी, कैसी हैं आप? हाँ हाँ, मैंने घर का सारा कामकाज कर लिया, खाना भी पका लिया था कल ही। अभी टीवी देख रही थी मौसी, वो नया सीरियल शुरू हुआ है, पिताजी का मंगलसूत्र, देखा? हाँ, मतलब नई स्टोरी है, लेकिन मौसी एक्टिंग बहुत बुरी है, किसी ने अच्छे कपड़े नहीं पहन रखे। मैं तो देखते देखते सो ही गई थी, फिर आपका फोन आ गया। अच्छा जी, सत श्री अकाल। मोनिशा, मोनिशा मॉम बेहोश हो गई है। क्या? क्या? ये इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ चलो, मॉम के सर पे चोट लगी, कम ऑन। रोशिश भैया हौसला रखिए, मम्मी जी कोमा में चली गई है। मॉम कोमा में नहीं गई है मोनिशा, वो सिर्फ बेहोश हुई है। ओ, मुझे तो लगा था कि अगले 9 साल तक मम्मी जी होश में नहीं आएंगी। और उसी रोज मेरी दूसरी शादी हो रही होगी। मैं अपनी नार नवेली दुल्हन की मांग में सिंदूर भर रहा हूंगा और माया सीढ़ियों पे से उतरती हुई चिल्लाएगी, नहीं ऐसा मत करो वरना अनर्थ हो जाएगा। कैमरा मुझ पे चार्ज, डरें 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 डरें, फिर साहिल पर, रोशेश पर उसकी बाई आंख से एक मोटा सा आंसू गिरेगा, मोनिशा के हाथ से थाली गिर जाएगी। डैड, यूजुअली शोक सभा में लोग क्या करते पता है? चुपचाप बैठे रहते हैं। इसका मतलब चुपचाप बैठे रहना किसे कहते हैं, ये आपको पता है? हाँ हाँ। तो वहां पे बैठ के प्रैक्टिस करेंगे प्लीज। ओके यार। साहिल, माया आंटी को मामूली सा ट्रॉमा है, 2-4 घंटे में होश आ जाएगा। लेकिन राजन सर पे चोट लगी है, डू यू थिंक MRI के लिए जाना चाहिए? मैं जानती हूँ एक MRI को, मेरे गुरदीप चाचा जो कनाडा में है वो MRI है। वो NRI होता है मोनिशा, MRI मतलब दिमाग का स्कैन। अच्छा अच्छा, मतलब वो CT स्कैन जैसा। लेकिन साहिल उसमें तो 3-4 हजार रुपए खर्च हो जाएंगे। तुमने पढ़ा नहीं पेपर में, सीजनल डिस्काउंट दे रहे हैं वो, 3 लोग करेंगे ना तो 1 का फ्री। ताना क्यों मार रहे हो, डॉक्टर ने तो कहा कि मामूली सा ट्रॉमा है, और अगर मम्मी जी की खोपड़ी फट गई होती, खून शून बह गया होता बहुत सारा, तो MRI कराना वसूल भी होता। नहीं नहीं, वो क्या है मोनिशा, एज अ प्रिकॉशनरी मेजर साहिल ने सजेस्ट किया था। लेकिन आंटी जी बेहोश कैसे हो गई? यहाँ 100-150 लोग मंत्री जी के बंगले के बाहर नारेबाजी कर रहे थे, सब कुछ शांत और नॉर्मल था। मामा थक गई तो मैंने नारेबाजी शुरू कर दी, गरीबी हटाओ आबादी घटाओ, धूड़दार 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 पो, बच्चे पैदा करो सिर्फ 1 या 2। फिर अचानक पुलिस ने लाठी चार्ज शुरू कर दिया, पता नहीं क्यों कह रहा है, बोलो। नारेबाजी में कविता लिखता है, धूड़धार 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 पो, और कहता है कि पता है, डट डट, जस्ट चिल रिलैक्स। रोशेश आगे बोलो। फिर भगदड़ मच गई और कुछ लोगों ने मामा को कुचल डाला और मामा ओह करके बेहोश हो गई। यू शुड हैव सीन इट साहिल भाई। कुछ लोगों ने थोड़ा सा कुचल क्या डाला, उस बात का इतना बड़ा सदमा पहुंचा मम्मी जी को। हाँ मोनिशा बेटे, वो जिन लोगों ने माया को कुचला ना, वो मिडिल क्लास रहे होंगे। ओके ओके, अब आंटी जी को आराम करने दीजिए, लेट्स स्टेप आउट प्लीज। यस यस, ओके ओके। डैड आप यही रहिए मॉम के पास। मामा। रोशेश, तुम्हारा रोना मॉम को डिस्टर्ब करा, जैसा कम आउट, क्यों कम आउट, कम, टेक केयर। साहिल डैड आप बैठ। देखो साहिल, वैसे कोई घबराने की बात नहीं है, आई जस्ट होप के उन्हें सर पे चोट लगने की वजह से कहीं सदमा ना पहुंचे। तुम्हारी फीस? फीस किस बात की, दवा शवा तो दी नहीं। लेकिन मैंने आंटी जी का चेक तो किया। हाँ लेकिन टॉर्च तो हमारा यूज किया ना। जस्ट जोकिंग। नो, जस्ट अ मिनट, तुम्हारी फीस। मामा, थैंक्स मामा। डॉक्टर साहब, लगता है रोशेश भैया का BP हाई हो गया।
वो तो चेक कर लीजिए कम से कम। साहिल, is she serious? हाँ, ना, ना, she is. I told you she's joking. Okay, मैं निकल रहा हूँ। साहिल। मोनिशा, तुम घर जाओ और खाना बनाओ। ये आप अच्छा नहीं कर रही हैं मोनिशा बाबे। है ना? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मम्मी जी की याददाश्त खो जाने के जिम्मेदार आप हैं, मैं नहीं, है ना साहिल? यार ओसे, she is not totally wrong. अगर तुम वो कविता वाला नारा नहीं लगाते ना तो वो लाठी चार्ज नहीं होता। एंड सेकेंडली, मॉम के कोरे दिमाग में जो मिडिल क्लास वाला भूत है ना, वो डैड ने डाला है। लेकिन उस भूत को भटकने की आदत तो मोनिशा भाभी डाल रही है ना। पता है आपको, मामा नाइट गाउन में नीचे गई थी चीकू खरीदने मोनिशा भाभी के साथ, और आधे घंटे बाद वापस लौटी। नाइट गाउन? आधे घंटे तक तुम बार्गेनिंग कर रही थी मोनिशा? साहिल, मम्मी जी ने तो 5 मिनट में ही चीकू खरीद लिए थे। जब उन्होंने चीकू वाले को धमकाया ना के गोचू सीधा सीधा दाम लगा, नहीं तो बिल्डिंग के नीचे खड़े रहने नहीं दूंगी, तो उसने फटाक से 4 रुपए के 6 चीकू दे दिए। तो फिर आधे घंटे तक आप लोग क्या कर रहे थे? अरे बाबा, वो बिल्डिंग के बाहर बंदर का खेल चल रहा था ना, तो मम्मी जी ने कहा अरे वाह मोनिशा, बंदर का खेल, चल देखते हैं, मजा आएगा। मतलब गाउन में मॉम सड़क पर। मोनिशा, तुमने रोकने की कोशिश नहीं की? मना किया था साहिल, मैंने एक बार मना किया था, जब मम्मी जी ने सीटी मार के मदारी से कहा ना कि बंदर से शादी वाला खेल कराए, तब मैंने उन्हें टोका था। मॉम ने सीटी मारी? हाँ, क्योंकि जब वो करी थी तब वो मदारी सुन नहीं रहा था ना। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता साहिल भाई, मैं मामा को याद दिला कर रहूंगा कि वो माया सारा भाई है, मेरी मामा। आप चाहें तो कोशिश कर लीजिए रोशिश भैया, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, मम्मी जी को अपनी कविता बिल्कुल मत सुनाइएगा। क्यों? क्योंकि कल जब डैडी जी ने आपकी कविता मम्मी जी को सुनाई ना, तब उन्होंने एक्ट थू किया। That's it, that's it. मैं मामा की याददाश्त वापस ला कर रहूंगा। एक मिनट रोशिश, एक मिनट। Whatever, but be careful. कहीं ऐसा ना हो जाए कि मॉम को बदलने के बजाय मॉम तुम्हें बदल दे। बिकॉज आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन तुम्हें उनसे है, उससे ज्यादा मॉम को तुमसे प्रॉब्लम है। लेट्स सी। गुड बॉय, अब बोल, पड़ोसी के घर से दही मांगने में कोई बुराई नहीं? पड़ोसी के घर से दही मांगने में कोई बुराई नहीं। अब लग रहा ना मेरा राजा बेटा। मामा? मम्मी, अगर मैं आपका राजा बेटा हूँ तो मेरी एक बात मानेंगे? बोल ना मेरा बच्चा। आप माया सारा भाई हैं, माया सारा भाई, द माया सारा भाई। हाँ तो? तो माया सारा भाई ऐसे कपड़े नहीं पहनती। तो कैसे कपड़े पहनती है? मैं दिखाता हूँ किस तरह के कपड़े पहनती है आप। ये देखिए, आप इस तरह के कपड़े पहनती है। हे भगवान, ये क्या है? न गले में मंगलसूत्र, न मांग में सिंदूर। अब सिंदूर नहीं लगाती है। नालायक नपावट, मैं सुहागन हूँ, सुहागन के लिए अपना सिंदूर जैसे पाव भाजी की प्लेट के ऊपर बटर। पाव भाजी बटर के बिना अच्छी लगती है? पाव भाजी? ये क्या कॉटन की साड़ी पहनी है? कॉटन की साड़ी एक बार पहनने में स्त्री बिगड़ जाती है भैया, 4-4 रुपए लेता स्त्री करने का, ऊपर से ब्लाउज का अलग। ठीक है, आप कॉटन की साड़ी नहीं पहनना चाहती ना, तो ये देखिए, आप इस तरह की साड़ी भी पहनती है, प्योर शिफॉन की डिजाइनर साड़ी, ये देखिए। हाय शिट, इसमें ब्लाउज क्यों नहीं पहना मैंने? तेरी ट्रिक फोटोग्राफी होगी, शर्म नहीं आती? माँ की ऐसी फोटो निकालता है, फाड़ इसे, फाड़ अभी के अभी फाड़। मम्मी जी। बोल बेटा। मम्मी जी, मैंने आपके पास सारा सामान रख दिया है टैक्सी में, फ्लाइट का टाइम हो गया है, जल्दी चलिए। इसमें थेपला डाला ना? हाँ रख दिया, चलिए। कहाँ जा रही है आप? रोशिश भैया, मम्मी जी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहिए, वो जीत गई। हम लोग गए थे ना मोची गली में चप्पल खरीदने, तो वहाँ कॉन्टेस्ट का फॉर्म मिला। बंटी और बबली की हीरोइन कौन? मम्मी जी ने फट से लिख दिया रानी मुखर्जी, और वो जीत गई बांग्लादेश की टिकट फ्री। मम्मी जी चलिए, टैक्सी का मीटर बढ़ रहा है, चलिए चलिए। नहीं नहीं मम्मी, आप ऐसे कैसे जा सकती है डैड और साहिल भाई से मिले बगैर? अरे तो साहिल को कह देना ढेर सारा प्यार, और तेरे पप्पा से कहना मैं वहां से उनके लिए चेक्स वाली लुंगी लेके आऊंगी, 30 रुपए में मिलती है वहां। हाँ। और
कांदा बटेटा इतना सस्ता, मैं सोच रही थी 10-12 किलो लेके आती हूँ, फिर भजिया बनाएंगे, इसके पप्पा को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा चल, जय श्री कृष्ण। मम्मी ऐसे कैसे जा सकती है, मैं आऊँ आपको एयरपोर्ट छोड़ने? नहीं नहीं, ऑटो में जगह नहीं होगी। नहीं, आप तो टैक्सी से जा रही है ना? ओफो, वो तो सिर्फ बांद्रा तक, वहाँ से हम ऑटो ले लेंगी, पैसे बचेंगे ना हमारी मीठी। चले चले मामा, मैं आपको जा, छोड़ो मुझे, छोड़ मामा, नहीं सगड़ो, छोड़ टाटा। मोनिशा, 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 क्या है साहिल? रात के 8:30 बजे तुम सो रही हो? हाँ तो, इतना बोरिंग टीवी सीरियल आ रहा था, 10 मिनट से एक भी मर्डर, एक भी एक्सीडेंट, एक भी लफड़ा नहीं हुआ था, इसलिए मेरी आंख लग गई। वैसे साहिल, मैंने ना एक बहुत अच्छा सपना देखा। तुमने 8:30 बजे सपना देखा? क्या देखा सपने में? वो बांग्लादेश में लुंगी 30-30 रुपए की मिलती है। क्या? मैं लेती हूँ। हेलो, साहिल, गुरिंदर मासी का फोन। वो बात करो। साहिल भाई, साहिल भाई, क्या हुआ रोशेश? जल्दी चलिए, मामा बेहोश हो गई है। क्या, कैसे? हम लोग नारेबाजी करने गए थे ना, और मम्मी जी थककर बैठ गई, इसलिए आपने नारेबाजी शुरू कर दी, इसी वजह से पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया, लोग यहाँ वहाँ भागने लगे, उसी भगदड़ में किसी ने मम्मी जी को कुचल दिया। हाँ हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? सचमुच ऐसा हुआ। मोनिशा, तुम खुश क्या हो रही हो? कुछ नहीं। चलो चलो, चलिए। भगवान ने मेरी सुन ली, शायद भगवान ने मेरी सुन ली।